आकाश असीमित है और इसका कोई छोर नहीं है। यह कितना बड़ा है इसका ठोस अनुमान अब तक नहीं था, लेकिन वर्षों की मेहनत के बाद अब कुछ वैज्ञानिक यह दावा कर रहे हैं कि उन्होंने ब्रह्मांड की माप कर ली है। ताजा अनुमान के अनुसार ब्रह्मांड 93 अरब प्रकाश वर्ष चौड़ा है। प्रकाश वर्ष क्या है? प्रकाश वर्ष वह पैमाना है जिससे हम लंबी दूरियों को मापते हैं। प्रकाश की गति बहुत तेज होती है, जो 1 सेकंड में लगभग 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय कर लेती है। तो 1 साल में प्रकाश जितनी दूरी तय करता है उसे प्रकाश वर्ष कहते हैं। इतनी लंबी दूरी को किलोमीटर या मील में बताना कठिन है, इसलिए प्रकाश वर्ष का उपयोग किया जाता है। हमारा सौरमंडल और आकाश गंगा, हमारी धरती सौरमंडल का हिस्सा है। सौरमंडल में 9 ग्रह हैं, जो सूरज के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। सूरज एक तारा है जो हमारी आकाश गंगा मिल्की वे का हिस्सा है। आकाश गंगा कई तारों, ग्रहों, उल्का पिंडों और धूमकेतु को मिलाकर बनती है। ब्रह्मांड का मापन, ब्रह्मांड में हमारी मिल्की वे आकाश गंगा जैसी कई आकाश गंगाएं हैं। इनका आकार और संख्या जानने के लिए वैज्ञानिक वर्षों से प्रयास कर रहे हैं। 20वीं सदी की शुरुआत में अमेरिकी वैज्ञानिक हार्लो शपले और हेबर कर्टिस के बीच बहस थी कि हमारी आकाश गंगा कितनी बड़ी है। शपले का कहना था कि मिल्की वे 3 लाख प्रकाश वर्ष चौड़ी है, जबकि कर्टिस का मानना था कि यह केवल 30,000 प्रकाश वर्ष चौड़ी है। आज वैज्ञानिक मानते हैं कि मिल्की वे 1 लाख से 1.5 लाख प्रकाश वर्ष चौड़ी है। ब्रह्मांड का विस्तार। ब्रह्मांड का सही आकार जानना कठिन है क्योंकि यह तेजी से फैल रहा है। ताजा अनुमान के अनुसार ब्रह्मांड 93 अरब प्रकाश वर्ष बड़ा है। इतने बड़े ब्रह्मांड में हमारी धरती प्रशांत महासागर में पानी की एक बूंद जैसी है। दूरी मापने के तरीके। वैज्ञानिकों ने दूरी नापने के कई तरीके खोजे हैं। एक तरीका है ग्रहों और सितारों से दूरी को रेडियो तरंगों की मदद से मापना, जिसे कॉस्मिक डिस्टेंस लैडर कहते हैं। इसके लिए बड़ी दूरबीनों का उपयोग होता है, जैसे अरेसिबो दूरबीन। लेकिन ब्रह्मांड इतना विशाल है कि रेडियो तरंगों से दूरी मापना मुश्किल है। रेडशिफ्ट और तारों की चमक। दूसरा तरीका तारों की चमक का पैमाना है। जैसे जैसे कोई वस्तु हमसे दूर होती जाती है, उसकी रोशनी में परिवर्तन होता है। इस प्रक्रिया को रेडशिफ्ट कहते हैं। 1908 में वैज्ञानिक हेनरीटा स्वान लीविट ने पता लगाया कि सितारों की एक विशेष श्रेणी होती है जिन्हें सेफर कहते हैं। एंड्रोमेडा आकाशगंगा। आज वैज्ञानिक मानते हैं कि एंड्रोमेडा आकाशगंगा धरती से करीब 2.5 करोड़ प्रकाश वर्ष दूर है। लेकिन ब्रह्मांड कितना बड़ा है इसका सही अनुमान लगाना कठिन है, क्योंकि ब्रह्मांड तेजी से फैल रहा है। ब्रह्मांड का विस्तार कैसे समझे? नासा के वैज्ञानिक कार्तिक सेठ इसे समझाते हैं कि आप एक गुब्बारे में कुछ बिंदु बना दें और फिर इसे फुलाएं। हमारा ब्रह्मांड भी उसी तरह फैल रहा है। धरती से सबसे दूर सितारा करीब 14 अरब साल पुराना है और उसकी रोशनी को धरती तक पहुंचने में इतना वक्त लगा। इस विशाल ब्रह्मांड में हमारी छोटी सी धरती हमें हमारे छोटे होने का एहसास कराती है, लेकिन यह विशालता हमें सोचने की पूरी आजादी देती है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।